हेलो एवरीवन, बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और स्पेशली ये है मेरे गांव का। अभी मैं गांव आया हूँ, आज है डेट 4th of December, और यहाँ पे मैं आया हूँ अपने गांव में। ये मेरा घर सामने, यहाँ पे अभी मौसम है संतरे का, विंटर का सीज़न चल रहा है, तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मौसमी हो गई, संतरा हो गया, नींबू हो गया, तो इस तरह से ये सारा कुछ पेड़ है। ये संतरे का बेसिकली माल्टे का पेड़ है, लेकिन यहाँ पे संतरा ही बोला जाता है। ये अरबी के पेड़ लगे हुए हैं, और ये नींबू है, ये एक देसी नींबू कहते हैं इसको, बड़े बड़े होते हैं ये, जनरली ये उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं पहाड़ों में। ये हरी सब्जियां लगी हुई हैं, जैसे आपको हरी सब्जी खाने का शौक़ होता है, राई, मूली और तरह तरह की, और यहाँ कैसे भी उग जाती है, पत्थरों में उग जाती है, ये पत्थर है तो इसमें उगी हुई है। तो यहाँ पे भंडारा है, एक मंदिर है हमारे गांव का, तो आज भंडारा है, उसके लिए हम खाना और ये सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। धीरे धीरे चलता जा रहा हूँ मैं। एक भाई साहब है हमारे, पंत भाई साहब, उनके यहाँ पे भंडारे का अरेंजमेंट है, दिल्ली रहते हैं वो लोग, तो यहाँ पे सब तरह का। और यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि कोई हलवाई नहीं होता, कोई हम लोगों को ही खाना बनाना पड़ता, सब कुछ सारे गांव के लोग इकट्ठा होके, कोई आटा सान रहा है तो कोई सब्जी बन रही है कहीं पे। ये हमारे गाँव के लड़के हैं सारे, और यहाँ पे ये अरेंजमेंट है खाने का, ये अभी चूल्हे में बन रहा है शुद्ध देसी, यहाँ पे ये हलवा बन रहा है। सब चीज़ डाली जा चुकी है, चीनी एवरीथिंग भून भी चुका है, अब ये पाउडर उसके बाद इलायची पाउडर। जब सूजी सही भुनी रहे ना, तब तो वो पेट खराब भी नहीं होंगे। तो भाई साहब कह रहे हैं कि अगर सूजी सही भुनी हुई होती है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, कोई खराबी नहीं होती है। ये सब्जी बन रही है हमारी, बहुत ही बेहतरीन सब्जी है, ये अभी पक रही है और ये पकती रहेगी दो घंटे, अगले दो घंटे तक, लेकिन खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। चने हम उबाल चुके हैं, क्योंकि माता रानी का भंडारा है तो इसमें सात्विक खाना होता है बिना प्याज लहसुन का। और ये हमारा छोटा सा अरेंजमेंट है, यहाँ पे ठंडा है मौसम बहुत। और एक भाई साहब है, ये बहुत दूर से आए हैं, कहाँ से आए भाई साहब आप? स्पेशल बुलाया हमने इनको शायद, हाँ ये मूवी में भी काम कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने वहाँ पे भी इसी का काम किया था, आटा गूंदने का ही काम किया था वहाँ पे भी स्पेशल उनका। और इनको हम क्विंटलों आटा दे देते हैं, शाम तक आटा गूंदते रहते हैं। और ये इसकी पूरी खाओगे तो आपको चबाने नहीं पड़ेंगे। और ये ऐसा आटा गूंजते हैं, बहुत दूर दूर तक इनको बुकिंग में ले जाते हैं लोग, स्पेशल है। ये भी कुछ क्रॉप्स लगी हुई है, जैसे मटर, ये तो सूख गए हैं, जो बेल लगी होती है खीरे की बेल थी शायद, और ये कुछ अभी ये सेम लगी हुई है। दूर दूर 360 व्यू यहाँ से पूरे गांव का, ऊपर तक जंगल ही जंगल, पहाड़ ही पहाड़, और कुछ नहीं दिखता। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा एडिशन पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अच्छे एक दो अच्छे से वीडियो लेके आऊँगा, कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।